आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस में टेबल्स के डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटो नंबर होता है। ऑटो नंबर इट मींस आपका स्टैटिक नंबर है, मतलब कि सीरियल नंबर होगा और खुद ब खुद जनरेट होता चला जाएगा। और यहाँ जो आप की दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब क्या हुआ कि इस कॉलम में, आईडी वाले कॉलम में मोर देन वन नंबर नहीं आएगा, राइट? अब मान लीजिए कि मैं ऊपर ही नेम करता हूँ। अब देखिए यार, नेम जैसे लिखेंगे आप ना, आपको एक अलर्ट देगा, क्योंकि नेम जो है सिस्टम का रिजर्व ऑप्शन है। तो नेम ऐसे दे सकते हैं, लेकिन देना सही नहीं रहेगा। जब कनेक्टिविटी वगैरह कर देंगे या फिर हम प्रोग्रामिंग वगैरह सिंपल वगैरह लिखेंगे, वहां दिक्कत होता है। यहाँ पे डेटा टाइप में आते हैं, तो सबसे पहला डेटा टाइप आपका आता है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट दो है इसमें, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब हुआ कि आप नाम लिखना चाहते हो कि हाईएस्ट आपका 255 करेक्टर होगा। हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टेक्स्ट में मान लीजिए मैंने इसको कर दिया कि भाई देते हैं, मैं यहाँ पे मोबाइल लिखता हूँ, और मोबाइल में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब इसका मतलब है कि 10 डिजिट से ज्यादा आप एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। okay. यहाँ पे बट सर, मोबाइल तो नंबर में होना चाहिए ना, टेक्स्ट में क्यों है? देखिए, नंबर का मतलब होता है कैलकुलेटिव, और टेक्स्ट का मतलब है नॉन कैलकुलेटिव। तो आप बात okay. नंबर लिख रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर नॉन कैलकुलेटिव है ना। okay, समझ गया। टेक्स्ट में डाला, तो डेटाबेस रूल कहता है कि आप उसी फील्ड को नंबर में डाल सकते हैं जो फील्ड हमारा नॉन कैलकुलेटिव होगा, जिसकी कैलकुलेशन नहीं होनी हो, उसको हम टेक्स्ट में डालेंगे, और जो कैलकुलेशन वाला डेटा है उसको नंबर में डालेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपका नंबर पे यूज होता है, यहाँ नॉर्मल ऐसे ही रहता है, लेकिन हम एट द रेट लगा सकते हैं। आता है इनपुट मार्क्स, इनपुट मार्क्स में है जैसे कि आप अगर पासवर्ड हो गया या टाइम हो गया, क्या आप देना चाहते हो उसी तरह का सिस्टम शो करेगा फॉर्मेट। आगे बताऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस 91 को ऐड करूं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, वैलिडेशन रूल्स। तो यहाँ पे मैं लेन का फॉर्मा लगाऊंगा, लेन, और लेन में हमारा बड़ी ब्रैकेट में होगा वाई। ये मैंने बताया भी था, दोबारा बता देता हूँ, इक्वल टू 10 कर देता हूँ, मतलब कि 10 डिजिट होगा। और जो मैसेज पॉपअप आएगा उसमें क्या लिखना है वो लिख दीजिए। से मुझे मैं लिखना चाहता हूँ प्लीज एंटर 10 डिजिट्स। यहाँ पे लिखना आता है रिक्वायर, मतलब कि स्टार वाला सिस्टम नहीं जानते हैं फॉर्म वाला में, अगर स्टार है तो यस होगा, मतलब यस कर दीजिए कि हाँ इसके बगैर वो आगे एंट्री बढ़ने देगा, इसमें एंट्री तो करना ही है। यस कर दीजिए, तो फिर आता अलाउ जीरो,
मतलब जीरो लेंथ मतलब कि ब्लैंक छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि रिक्वायर मतलब कि ये फिल को भरना है या नहीं, और यहाँ पे अलाउ जीरो लेंथ दोनों तो एक ही है क्या? कुछ ऐसे करेक्टर है नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है जो कि लेंथ में नहीं आते, बताऊंगा तो वो भी जाता है इसलिए किया गया है। और एक्स का टेक्स्ट का लाइन जनरल होगा सेंट्रल होगा क्या होगा वो यहाँ। अरे भाई इसको मैं क्लोज करके इसका ये दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैंने मान लीजिए पूजा दे दिया, अब यहाँ पे 8802579388। अब यहाँ पे दिख रहा है सर आपको तो नहीं कर रहा क्योंकि हमने प्लस 91 कर दिया था। ये जो आपका इसमें मैं 10 के जगह पे 12 कर देता हूँ, 13 है, 13 ठीक है। जो प्लस 91 ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? एक मैं इसका वैलिडेशन डाल देता हूँ, ऐसा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया, हाँ हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से कि आप अपने घर पे ले सकते हैं लाइव इंटरैक्टिव 1-to-1। नहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है, प्लस 91 में इसने एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक दो तीन एट द रेट से छः सात आठ नौ दस एड्रेस होता है ये नंबर शो करने के लिए, कैरेक्टर को शो करने के लिए। तो आ गया ना सर, सो रहा है ना सर? एक्सेल का उलट था, मैं एक्सेल चलवा रहा था, एक्सेल ने क्या है कि एक ही एड्रेस लगा दो चल जाता है। इसमें एक चीज है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें आपने सीखा कि अगर आप डेटा एंट्री करने से पहले कोई स्पेशल कोड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, राइट सर? ठीक। और वैलिडेशन भी आपने सीख लिया है। अब यहाँ पे मैं अगला मैं लॉन्ग टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, उसे एड्रेस। एड्रेस में शॉर्ट टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट दे रहा हूँ। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब कि जिसकी आपको ऐसा कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कितना करेक्टर इसमें आएगा, कितना भी करेक्टर हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपके यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप बाकी से चीज सेम है जो उसमें था। अब यहाँ पे देखिए एक होता है अपेंड ओनली, मतलब अपेंड ओनली में अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक लॉन्ग टेस्ट ले लिया ना, अब मैं इसका भी एक डेमोनेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस में जैसे कि हमने दे दिया 101 101, ठीक है, हमने दे दिया। अब इसमें हम अब ये हो गया। अब इसमें डिजाइन व्यू में जाता हूँ। डिजाइन व्यू में जाने के बाद इसको मैं अपेंड ओनली को यस कर देता हूँ। ठीक है, और यस करता हूँ मैं। अब इसमें मैं आता हूँ, इसमें अब मैं अपेंड नहीं हुआ। अपेंड का मतलब होता है कि पहले से जो डेटा वो रहेगा नया डेटा उसमें ऐड अपडेट कर अपडेट। हाँ, वो होता है अपेंड, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अरे इसके बारे में बताऊंगा मैं भी नया देखा हूँ क्योंकि 2019 में आया है, नहीं था। उसके बाद नंबर में मान लीजिए मैं यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ। अब यहाँ पे नंबर यूज करता हूँ, तो लॉन्ग टेक्स्ट के बाद हमारे पास नंबर। तो नंबर में देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पे नंबर का टाइप है। अगर आपने बाइट कर लिया, बाइट कर लिया ना, तो बाइट करने के बाद सबसे पहले जान लीजिए कि ए 0 से 255 तक की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, नहीं डेसिमल। उसके बाद बाइट के बाद अगर आप दूसरा सिलेक्ट करते हैं, इंटीजर को सिलेक्ट करते हैं, तो इंटीजर क्या करेगा, ये आपका माइनस 32,000 से प्लस 32,000 तक डेसिमल। लॉन्ग इंटीजर माइनस प्लस दोनों लेगा, बट थोड़ा सा बड़ा लेगा, लेकिन आपका डेसिमल ए भी नहीं लेगा। सिंगल आपके लॉन्ग इंटीजर से बड़ा होगा, मतलब कि इसको लॉन्ग बट डेसिमल ए भी नहीं लेगा। डेसिमल जो है आपका डबल लेगा, डबल लेगा। और डेसिमल काफी ज्यादा बड़ा डेसिमल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेसिमल का। एक एक एप्लीकेशन आईडी होता है, एप्लीकेशन आईडी, इसके बारे में मुझे पता नहीं, माफ कीजिएगा, ये भी नया फीचर है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं यहाँ डबल ले देता हूँ। अब आती है हमारी फॉर्मेट की, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, नंबर जो टाइप होगा उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दिया कि भाई मेरा करेंसी होना चाहिए, डेसिमल प्लेसेस ऑटो होना चाहिए, या फिर आपके अगर दो डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए।
इनपुट मार्क्स ऐसा दिखना चाहिए। तो आखिर तो अभी हम नंबर दे रहे हैं ना, यहाँ पे इनपुट मार्क्स टेक्स्ट पे एप्लीकेबल होता है, जैसे पासवर्ड है, टेलीफोन नंबर है, पिन नंबर है, ऐसे नंबर के लिए इसका यूज होता है। कैप्शन, कैप्शन है मतलब कि इसका फील्ड का नेम अमाउंट है ना, अमाउंट के जगह क्या और कुछ भी और नाम देना चाहते हैं, कैप्शन नेम देना चाहते हैं, ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं होगा। जब मैं आपको इसको वीबीए सिखाऊंगा तो मैं इसको बता दूंगा। डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डबल जीरो होना चाहिए। और वैलिडेशन, इसमें आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो मैं बोला हूँ कि 500 से ऊपर होना चाहिए, अमाउंट 500 से नीचे नहीं होना चाहिए। वैलिडेशन टेक्स्ट, ग्रेटर देन 500 टेक्स्ट के लाइन सेट कर सकते हो नंबर। तो नंबर समझ में आ गया आपको? हाँ। नंबर के बाद हमारा लार्ज नंबर आता है, जैसे मैं यहाँ पे एक टैक्स दे देता हूँ, टैक्स यहाँ पे हम लार्ज नंबर दे देंगे। तो लार्ज नंबर कब देते हैं, जब हमारे पास नंबर की कोई ए नहीं होता है, मतलब कि आपको नहीं डबल होगा, इंटीजर होगा, बाइट होगा, क्या होगा आपको आइडिया नहीं है, तो आप सिलेक्ट करेंगे लार्ज नंबर। समझ गए? ठीक है। जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपने टैक्स नहीं देना चाहता, टैक्स ना देने के पीछे की रीजन है, रीजन ये है, जैसे मान लीजिए कि आप टैली यूज करते हैं, मतलब टैली जैसा ही आप चेक की पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो भी चेक आप बैंक पे लगा दो, बैंक के चेक का पूरा डिटेल यहाँ रखते हैं, राइट। अब दिक्कत क्या है कि बैंक के तरफ से आपके पास जो स्टेटमेंट आती है एक्सेल में, उसमें आपका चेक नंबर नंबर फॉर्मेट में होता है या फिर अकाउंट नंबर में होता है, तो आपको यहाँ भी मजबूरन नंबर फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, वरना दोनों के बीच में लिंकअप नहीं होगा, चाहे एक्सेल पे चाहे इसमें। ठीक है? ठीक है। तो उस केस में हम लार्ज नंबर यूज करेंगे, बाकी सी सेम ही जो बाकी सब में है। लार्ज नंबर के बाद आता है आपका डेट एंड टाइम, जानते ही है यहाँ पे डेट रिजर्व होता है, यहाँ पे सी डेट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम तो डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के बाद डेट एंड टाइम में क्या क्या देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट है कि आपका डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपको डेट फॉर्मेट चाहिए वो ले सकते हो। तो मैंने बोला कि मेरा इस तरह से लॉन्ग डेट होना चाहिए, यहाँ पे इनपुट मार्क्स, आई थिंक ये काम करता है, इनपुट मार्क्स नहीं करता है इतना। करता है तो जैसे मुझे शॉर्ट डेट चाहिए, मुझे इस तरह का डेट चाहिए, तो ये ले सकते हो, तो आपका डेट इस तरह का है। या कोई और चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप। इस तरह के डेट फॉर्मेट दे सकते हो आप, लेकिन इसका हम लोग खास यूज करते नहीं है, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे, इसलिए हम इसी में से लेते हैं।
उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप नेक्स्ट कर दीजिए और चूज कर दीजिए। कैप्शन बाकी में जो बाहर की यहाँ पे आता है तो डेट जो जब आप डेटा एंट्री करेंगे ना तो आपको कैलेंडर आएगा, तो कैलेंडर शो करना है तो यहाँ पे फोर डेट्स, नहीं शो करना है तो नेवर, समझे सर? पर ये साल सर शायद 19 में ही है, ये 13 वगैरह में, 13 में भी है, 10 में भी है सर, 13 में हाँ है, डेट है, 7 में भी है। अच्छा, जैसे आप डेट टेबल जैसे आप फॉर्म पे भी करें चाहे कहीं भी करें एंट्री, जैसे ही उस पर कर्सर ये साइड में आ जाएगा आपके यहाँ पे, लेकिन सिर्फ टाइम के लिए है, डेट के लिए, टाइम के लिए नहीं, ठीक है? क्लियर सर? क्लियर। बाकी तो नॉर्मल है तो सर आज इतना रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि पौने चार बजे किसी और का भी बैच है, रहने देते हैं, कल से करते हैं, ठीक है, कल वही 12:30। कल 12:30 पे करेंगे या सुबह 9 बजे भी कर सकते हैं आप कल?